उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चांदी के सिक्के अचानक से नदी किनारे मिलने लगे हैं, जिसके बाद आसपास के गांव वालों में खुशी का माहौल है, तो वहीं जिला प्रशासन के लिए स्थिति से निपटना भी गंभीर विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चंद्रावल नदी पड़ती है। इस नदी में पुराने डाक बंगले के पास में कुछ मलबा जमा हुआ था। इस मलबे के ऊपर बारिश का पानी लगातार दो दिन से पड़ रहा था, जिसके बाद से चांदी के सिक्के चमकते हुए बाहर दिखाई पड़ने लगे। पास ही रहने वाले एक ग्रामीण ने जब इस पर नजर डाली तो उसने लगातार सिक्के बिनने शुरू कर दिए। सिक्के बिनने के बाद उसको देखते ही गांव के और लोग आसपास इकट्ठा हो गए। इसके बाद से उस जर्जर बंगले के आसपास सिक्के बिनने वालों की खुदाई और भीड़ दोनों लगी रही। ऐसा माहौल बना कि कुछ ही देर में देखते ही देखते पुलिस को भी घटना की जानकारी मिल गई। मौके पर मौदाह कोतवाली के SHO अपनी पूरी टीम को लेकर के पहुंचे। पुलिस को देखते ही वहां लोगों के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से 21 सिक्के बरामद किए, जिन्हें जमा करा दिया गया है। उसके बाद से पूरे क्षेत्र को पुलिस ने सिपाहियों के नज़रों के सामने ही रखा हुआ है। इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी भेजी गई है। नदी के तट पर मलबे में सिक्के होने की आशंका से लेकर दर्जनों गांव वाले आसपास फावड़ा कुदाल लेकर बने हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये हुजूम नदी किनारे जो इकट्ठा हुआ है उसके बाद से कहीं ऐसा ना हो कि रात में कोई अनहोनी घटना घट जाए। अभी तक में जिस व्यक्ति ने पहले सिक्के बिने थे वो फिलहाल गांव से जा चुका है। गांव वालों का कहना है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा सिक्के हैं। ऐसे में चांदी के सिक्के नदी किनारे निकलने से लोगों की चांदी हो चुकी है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। क्या मामला है प्रधान जी, यहाँ पर चांदी के सिक्के मिलने की बात आई है, क्या मामला है? ये यहाँ पर हर साल हमारे यहाँ और से लगता है, तो उसमें यहाँ पर कुछ गड्ढा वगैरह था, तो जो गांव के ही हैं उनके यहाँ दीवार वगैरह गिरी थी, तो स्क्रैप ला करके उन्होंने यहाँ डाल दिया था। अभी कुछ आज या कल में बच्चों को यहाँ पर चांदी के सिक्के पानी गिरा है, तो कुछ मिट्टी धूल वगैरह गई है, जो भी एक दो चार जितने मिले हों बच्चों उसकी वजह से सब में जो भी चांदी के सिक्के निकले हैं, तो पुलिस को सूचित कर दिया गया है। SDM साहब मौके पर आए थे, कुछ सिक्के उनको बरामद हुए हैं 10-15 के आसपास जो भी हुए, बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये सिक्कों का ये मोधा थाना क्षेत्र में एक नरायच वो गांव है, वो इसी में जो है ये कानो बीच में मेला था उर्स का, और उसी में कुछ गड्ढे अड्डे थे, तो उसी को लेके वो गड्ढों को भरने के लिए गांव के एक विश्वकर्मा का मकान गिरा हुआ था, तो विश्वकर्मा के मकान का जो है वो मिट्टी आई थी, कचरा जो था तो वहाँ डाला गया था गड्ढों में। अभी जब ये बरसात हुई तो हाँ, तो बरसात में मिट्टी थोड़ी धुली, धुलने के बाद जो है वो कुछ सिक्के दिखाई दिए, तो कारण जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची, तो उसमें करीब 20-21 सिक्के मिले हैं, और वो सिक्कों के बारे में जो अब उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, और उसके बाद और सिक्कों की वो तलाश हो रही है, जो भी कार्रवाई होगी आगे फिर बताया जाएगा।